हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे ये ट्रेवल पोस्टर आप क्रिएट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग कैनवा, जो कि बहुत ही इजी है क्रिएट करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ओवरऑल इस पोस्टर को क्रिएट करने में क्या क्या एसेट्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में हमें कुछ ये दो इमेज रिक्वायर्ड है, व्हाइट पेपर टेक्सचर एंड हाई कर्मा ऐप। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट आप इसे कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद से आप यहाँ एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाओ और एलिमेंट्स के ऑप्शन में यहाँ पे जस्ट आपको लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपको पूरे टेम्पलेट जो भी ये पेज है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो उस पूरे फाइल को, ठीक है। देन उसके बाद से जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे आपको जाना है फोटोज में, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज मिल जाते हैं जैसे कि मैंने इस फोटो को यूज किया है। देन व्हाइट पेपर टेक्सचर भी सेम इसी तरीके से फाइंड आउट होगा, जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। देखो व्हाइट पेपर टेक्सचर फाइंड आउट करने के दो तरीके, एक तो आप ग्राफिक्स में से कोई व्हाइट पेपर टेक्सचर उठा लो या आप फोटोज के ऑप्शन में चले जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये टेक्सचर यूज किया, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं दिस वन, ओके। देन उसके बाद से हमने जो कलर यूज किया है ये चार कलर यूज किया है, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और लिटिल बिट व्हाइटेस्ट, ठीक है। ये जो इसका कलर है इस टेक्सचर से लगभग लगभग मैचिंग है, ठीक है। और फॉन्ट्स में हमने तीन फॉन्ट यूज किया, पॉपिंस, पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड एंड इंटर। देन हमने जो एलिमेंट यूज किया है, यू कैन सी हियर कि बहुत कम एलिमेंट यूज हुआ है। सेप्ट में हमने लाइन्स एंड सेप्ट में ये मिल जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे जस्ट ही और लाइन्स एंड सेप्ट के ऑप्शन में रेक्टेंगल मिल जाता है, तो इसे ही हमने यूज किया है। फ्रेम्स में ये फ्रेम्स फाइंड आउट करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसका नेम नहीं होता, तो जस्ट अगर आप फ्रेम्स के ऑप्शन में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे आपको फ्रेम्स मिल जाता है ये वाला। अब इसका नेम नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो अनटाइटल नेम है, दैट्स व्हाई मैंने इसका नेम कुछ दिया नहीं है। देन यहाँ पे ये जो है इसको कैसे ग्राफिक्स को फाइंड आउट करते हैं, जस्ट इसको आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में आकर लिख लेना है और ग्राफिक्स में चले जाना है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। एंड देन हमने कर्व लाइन यूज किया है जिसका ओवरऑल ये कीवर्ड है, अगर आप इसे पेस्ट करोगे ग्राफिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कर्व लाइन मिल जाते हैं जो कि डॉटेड टाइप में है। देन आइकन्स में तो हमने तीन आइकन्स यूज किए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इसको कैसे फाइंड आउट करना है आई होप आपको पता होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, चलते हैं कैनवा पे, टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो टेम्पलेट हमने जो सेलेक्ट किया वो इंस्टाग्राम पोस्ट साइज 1080x1080 पिक्सल। इस पूरे ओवरऑल पोस्टर क्रिएशन को मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन मेथड से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि कम समय में आपको मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने को, जैसे आप ब्लैंक पेज सेलेक्ट करोगे यू विल फाइंड योर इसकी जो साइज है 1080x1080 पिक्सल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पेज आपका होगा। देन उसके बाद से आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। लेट मी शो यू डैट ऑल्सो, जस्ट हेक्सा कोड यहाँ पे ये वाला, तो ये हेक्सा कोड मैंने आपको ये फाइल पूरी प्रोवाइड कर रखी है, आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप लिख भी सकते हो। तो ये बैकग्राउंड क्रिएट होने के बाद से यहाँ पे आपको यूज करना है पेपर टेक्सचर। बट आपको पेपर टेक्सचर यूज करते समय एक चीज का ख्याल रखना है, लेट मी सेलेक्ट दिस। जैसे ही आप पेपर टेक्सचर यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो इसको बैकग्राउंड में कैसे रिप्लेस करना है, या तो आप जूम करके ऐसे रख दो तो बैकग्राउंड में चला जाएगा, अपने आप फिट हो गया, या सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करो, रिप्लेस बैकग्राउंड कर दो, ठीक है। लेकिन यू विल फाइंड कि ये फोल्ड जो है ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बट हमें इतने हाईलाइटेड नहीं चाहिए, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं अराउंड 50K, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इस पे ये जो पेपर टेक्सचर है चाहिए, बट मुझे इतने पे अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट एट 48 जो कि थोड़ा बहुत शो हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर इसमें 48K टेक्सचर। देन उसके बाद से हमने अप्लाई किया है फ्रेम्स। तो अगर आप फ्रेम्स यूज करोगे, लेट मी सेलेक्ट द फ्रेम ऑल्सो फ्रॉम हियर, अगर आप ये फ्रेम सेलेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड योर कि अभी फ्रेम जो है इस तरीके से कुछ होगा। इसके आप पोजीशन के ऑप्शन में जाकर देखोगे तो रोटेशन यहाँ पे जीरो है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि जब भी आप किसी भी फ्रेम को रोटेट कर रहे हो तो उसकी डिग्री पता होनी चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर इमेज को उसमें फिट कर पाओ। इसका मैंने ट्यूटोरियल एक बना रखा है, आई बटन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो, फ्रेम्स के बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इसको क्या किया है, कुछ इस तरीके से रोटेट किया हुआ है, समथिंग 117 point something, और इसको इस तरीके से पुट किया हुआ है, यू कैन सी हियर, जिससे कि ये वाला जो है ना, अगर आप इधर वाले इसके साइड देखो तो ये प्लेन है, यू कैन सी हियर, इसी वजह से हमने इस वाले को इधर रखा है, थोड़ा बहुत ये ग्रंजी टाइप में लगे, ठीक है। इसका जो रोटेशन देखोगे 117.8 डिग्री रोटेशन है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, फोटोज इंसर्ट करने में काफी हेल्प होगा।
देन यहाँ पे हमने यूज किया है टेक्स्ट जो कि लिखा हुआ है पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड में, यू कैन सी, और इसकी जो साइज है 93.5 और ये कैपिटल है और कलर ब्लैक। देन उसके बाद से हमने ग्रीन कलर में इसी को जस्ट आपको डुप्लीकेट कर देना है, डुप्लीकेट करके आपको ट्रेबल लिख लेना है और यहाँ पे 93.5, एंड यू विल सी दैट ये दोनों एक साथ अलाइनमेंट में है। कैसे? मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किया। अब इसको अलाइनमेंट प्रॉपर रखने के लिए आपको यहाँ से अपना ग्रिड साउंड कर लेना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर ग्रिड ग्रिड यूज कर रहा होता हूँ अपने किसी भी पोस्टर को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से अलाइंड है। आई होप इट इज क्लियर। देन उसके बाद से हमने जो रेक्टेंगल था उसको यहाँ पे प्रॉपर प्लेस किया हुआ है कुछ सॉर्ट करके। ये साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साइज कितना रखते हो, बट आई हैव पुट इन इट हियर लाइक दिस। आप जैसे ही आप रेक्टेंगल लोगे, लेट मी शो दैट, अगर आप रेक्टेंगल लोगे तो इसके जो कलर है उसको सबसे पहले तो ग्रीन कर लो, कुछ इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो और इस तरीके से आप साइज करके और इसको सेंड कर सकते हो लेयर में जाकर सेंड टू बैक, ठीक है। देन उसके बाद से सबसे पहले तो आपको इमेज इंसर्ट करना है। अब जब आप इमेज इंसर्ट कर रहे होगे, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। जैसे ये इमेज है, ठीक है, अगर आप इमेज को ऐसे इंसर्ट करोगे तो यू विल सी ये रोटेट हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि आपको एंगल पता होना चाहिए, तो फ्रेम्स वाला जरूर वीडियो देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको आपको इस तरीके से रोटेट करना है, जितना डिग्री ये आपका फ्रेम रोटेट हुआ है उतना डिग्री ये भी रोटेट होना चाहिए, तभी ये आपका फोटो जो है वो स्ट्रेट रहेगा। तो ये कैसे पता, इसको रोटेशन या तो आप यहाँ से कर सकते हो जैसे मैं रोटेट कर रहा था, या आप पोजिशन पे जाके सीधे यहाँ पे टाइप कर सकते हो 117.8 एंड एंटर कर सकते हो, अपने आप रोटेट हो जाएगा। और इसको इंसर्ट करोगे, नाउ यू विल फाइंड हियर कि ये इमेज जो है प्रॉपर स्ट्रेट, ठीक है, तो किसी तरीके से रोटेट करके प्लेस किया हुआ है। देन यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा है इंटर में लिखा है और इसकी साइज है 31.5, और एक चीज का ख्याल रखना ये अपर केस है, मैंने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, इसको स्मॉल लेटर में ही लिखा है, बस अपर केस ऑन कर दिया। अगर मैं ऑफ करूँ तो यू विल सी हियर कि ये अपर केस में नहीं था, बट यहाँ से अपर केस ऑन कर देने से ये हर एक चीज कैपिटल में हो गया। देन उसके बाद से हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे डमी टेक्स्ट यूज किया है, इंटर 16.8 एंड दीज ऑल आर इन स्मॉल लेटर, जस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड देन उसी के जस्ट नीचे हमने इंटर में ही, बट यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है 19.8 बोल्ड और इटैलिक, इसको बोल्ड रखा है और इटैलिक रखा है, यहाँ पे हमने बोल्ड नहीं रखा था और साइज भी 16.8 थी। नाउ इसको कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने जो एलिमेंट्स यूज किया था बस उसी एलिमेंट्स को प्लेस किया है। अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे तो कलर इसका ब्लैक है, राइट, तो इसके कलर को आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ जाता है, जस्ट यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कलर ये वाले जो हैं एडिटेबल कलर इसके हैं और चेंज कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी इसके भी कलर चेंजेबल है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। देन उसके बाद से प्रॉपर प्लेस करने के बाद से आप इसकी चाहो तो ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हो, जैसे 60 मैंने रखी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। देन यू विल सी हियर कि हमने जो सोशल मीडिया हैंडल यूज किया है, तो ये सोशल मीडिया हैंडल भी जब आप प्लेस करोगे यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ब्लैक है, तो ये चेंजेबल कलर होते हैं, इनके कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलर को चेंज करके यहाँ पे प्रॉपर प्लेस किया है, और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखोगे ये हर एक एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको जब इनको प्लेस करना होता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, तो प्लेस करो जब भी आप, तो आप इनको एक साथ जूम करके ऐसे अपने स्क्रीन को जूम कर लो और तब प्लेस करोगे तो आप कि इन सभी को एक साथ अलाइनमेंट में प्लेस कर सकोगे, ठीक है। जैसे कि आप पोस्टर अगर आप बना रहे हो तो इतना छोटा होगा, बट इसको जूम करके अगर आप प्लेस करते हो तो इजिली यू कैन प्लेस इट। देन उसके बाद से हमने यहाँ पे देन इसके बाद से हमने ये लिखा हुआ है फॉलोअर्स पॉपिंस में बोल्ड, यू कैन सी, और ऊपर वाला जो है पॉपिंस 13.4, और ये बोल्ड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो है सोशल मीडिया हैंडल है तो इसका बोल्ड रहना इम्पोर्टेंट है बजाय इस फॉलोअर्स को, ठीक है। आप इसको भी बोल्ड रख सकते हो एज योर विश, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देन एट लास्ट हमने यहाँ पे लोगो एड किया है, अब जब किसी कंपनी का लोगो हो तो आप लोगो एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मेन टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट्स व्हाई हमने लोगो इधर लिखा हुआ है, तो जस्ट यही सिंपल स्टेप्स फॉलो करके मैंने ये पोस्टर क्रिएट किया। बहुत ही इजी है क्रिएट करना, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हो। अब जस्ट अगर इसे डाउनलोड करना है तो आपको शेयर ऑप्शन में जाना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है और मैक्सिमम साइज पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ताकि ये जो आपका पोस्टर है, जो आपका ये पूरा ओवरऑल टेम्पलेट्स है, ये हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो। तो जस्ट यहाँ पे जो पेज है वो सेलेक्ट करो और डाउनलोड कर लो। तो गाइज ये था सिंपल स्टेप्स जिसका फॉलो करके मैंने इस सिंपल ट्रेवल पोस्टर का क्रिएट किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लव दिस वीडियो मस्ट चेकआउट द अदर वीडियो, फ्रेम्स वाला जरूर चेक कर लेना ताकि आपको उसके फ्रेम्स के बारे में नॉलेज मिल जाए।
एंड टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो. सी यू एंड कीप स्माइलिंग. Thank you.